To my channel Maths with Magic. Today we will discuss our new chapter, that's chapter 16, triangles. Okay, तो चलो हम लोग triangle शुरू करते हैं आज, है ना. See, what is this triangle? देखो, I have already written the definition. You can see here. तो triangle क्या है? A simple closed polygon. ठीक है, what is this triangle? A simple closed polygon formed by three line segment. मतलब एक सिंपल सा क्लोज्ड फिगर, ठीक है ना, जो कि तीन लाइन सेगमेंट से, कितने लाइन सेगमेंट से, तीन लाइन सेगमेंट से बनता है, उसे कहते हैं ट्रायंगल. यू कैन सी, एक यहाँ देखो, आपने लाइन सेगमेंट देखा था प्रीवियस वाले वीडियो में, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, जिसके दो इन पॉइंट्स होते हैं. तो ए बी एक लाइन सेगमेंट, दूसरा ए सी एक लाइन सेगमेंट, और तीसरा बी सी एक लाइन सेगमेंट. तो और ये क्या है, क्लोज्ड, ये क्या है, क्लोज्ड है. एक दो तीन, तीन लाइन सेगमेंट से बना और ये क्लोज्ड फिगर है ना. तो दिस इज व्हाट ट्रायंगल. अब देखो, इसके तीन साइड होते हैं, तो तीन लाइन सेगमेंट से बना है तो तीन साइड होगा. देखो, इट हैज़ थ्री साइड्स, थ्री वर्टेक्स एंड थ्री एंगल्स. तो देखो, वर्टेक्स कौन कौन, साइड कौन कौन सा, ए बी एक साइड है ना, अनदर वन इज ए सी, एंड द थर्ड वन इज बी सी. ठीक है, तो नाम जब हम लोग लिखते हैं ना, नाम जब हम लोग लिखते हैं, याद रखना, जब हम नेमिंग करते हैं ना, तो हम कभी ए बी भी लिखते हैं या बी ए भी लिख सकते हैं. जैसे इसका नाम लिखना है, साइड का ए बी लिखो या बी ए लिखो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, अब उसी तरीके से ए सी लिखो या सी ए लिखो, ये भी लिख सकते हैं. फिर बी सी लिखो या सी बी लिखो, ये तीनों आप लिख सकते हो. ये लिखो या ये लिखो, बोथ आर करेक्ट. ओके, तो कितने साइड्स होते, तीन साइड्स होते, गॉट इट. तो नाम लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ए बी लिखो, ए सी लिखो एंड बी सी लिखो. ठीक है, या और ए बी ए लिखो या सी ए लिखो या सी बी लिखो. ठीक है, आप ऐसे नेमिंग करो या ऐसे नेमिंग करो, बोथ आर करेक्ट. ना थ्री वर्टेक्स, व्हाट इज दिस वर्टेक्स, जहाँ पे ना दो लाइन सेगमेंट आके, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट आके यहाँ पे मिल रहा है ना, दिस इज वर्टेक्स. ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट आकर यहाँ मिल रहा है ना, दिस इज वर्टेक्स. फिर ये बी सी और ए सी आकर सी पे मिल रहा है ना, ये वर्टेक्स है. कितने वर्टेक्स है, तीन. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्टेक्स, वी विल सिंपली राइट ए. एक वर्टेक्स है ए पे मिल रहा है ना, एक वर्टेक्स है बी, एक वर्टेक्स और सी, एक वर्टेक्स है ए बी एंड सी. दीज आर द थ्री वर्टेक्स. ओके, नाउ एंगल्स, विल टॉक अबाउट एंगल्स. तो देखो, यहाँ पे जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट आके मिल रहा है, वहाँ पे क्या बन रहा है, वो एंगल बन रहा है. एक ये एंगल, ठीक है, फिर एक ये एंगल, ठीक है, एंड थर्ड वन इज ये एंगल. तीन एंगल, हाउ मेनी एंगल्स, थ्री एंगल्स. और नेमिंग क्या लिखेंगे, अब देखो नेमिंग लिखने का तरीका, ठीक है ना. तो सिंपल सा, या तो हम ऐसे लिखें, एंगल का साइन ये होता है, दिस इज द साइन ऑफ एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ऐसे लिखो. या और जो जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है उसे बीच में रखो, ठीक है ना. तो या ऐसे लिखते हैं, एंगल ए की जब बात करेंगे तो यहाँ से शुरू करो, एंगल का साइन देंगे बी बी ए सी, ठीक है ना. ए की बात हो रही है ना, तो ए को बीच में रखा, ठीक है. अब जैसे बी की बात करनी, बी पे एंगल बन रहा है, बी पे एंगल बन रहा है, तो एंगल सी ए बी, सी ए बी, जिस जो जिसकी सॉरी सी बी ए होगा, जिसकी बात की जाए उसे बीच में रखना. अब जैसे सी की बात करनी है, तो एंगल का साइन दिया ए सी बी, ए सी बी, ध्यान से समझना. जैसे आप या तो सिंपली एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लिखो, या जब एंगल ए की नाम बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो बी ए सी लिखो, ए को बीच में, किसी भी हाल में ए को बीच में, क्योंकि ए की बात करें तो ए को बीच में, बी ए सी लिखो या सी ए बी लिखो. मतलब बी ए सी लिखो, देखो ए बीच में, या एक और तरीका है सी ए बी लिखो, एंगल सी ए बी लिखो. ओके, गॉट इट. दूसरा, बी की जब बात करें तो सी बी ए लिखे या ए बी सी लिखे, या सी बी ए लिखो या सी ए सी बी लिखो, ठीक है.
फिर इसकी जब बात करें तो ए सी बी लिखो या बी सी ए लिखो, ठीक है, बी सी ए, ठीक है, तो ये आप एंगल में यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तीनों का मतलब हुआ, लेकिन एंगल का मतलब हुआ जिस जो बीच में है उसका मतलब हुआ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एंगल्स, ओके, नाउ कॉन्ग्रुएंट एंगल, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि ट्राइंगल क्या है भाई। तो ट्राइंगल एक सिंपल सा क्लोज्ड पॉलीगन है, ठीक है, जो कि तीन लाइन सेगमेंट से बनता है, इसके तीन साइड है, तीन वर्टेक्स और तीन एंगल है। नेमिंग भी मैंने आपको बता दिया। नाउ सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। याद रखना, कॉन्ग्रुएंट के लिए दो ट्राइंगल चाहिए, कितने ट्राइंगल, दो चाहिए, ठीक है ना। तो टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एवरी एंगल ऑफ वन इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द अदर। मतलब हर एक पहले वाले ट्राइंगल का, देखो यू कैन सी आई हैव ड्रॉन टू ट्राइंगल, पहले वाले ट्राइंगल का जो भी एंगल है, एंगल वन, तो एंगल वन अगले के एंगल डी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी एंगल ई के बराबर होना चाहिए, एंगल सी एंगल डी के बराबर होना चाहिए, और साइड भी जैसे इस ट्राइंगल का बिल्कुल इसके बराबर। जैसे सपोज कॉन्ग्रुएंसी, जैसे क्या कह सकते हो ना, सपोज ये मतलब एक समझने का तरीका, जैसे ये है ना, ये बिल्कुल जैसे ये पेज है एक और एक ये पेज है, ठीक है, दीज आर द टू पेजेस। तो ये इस पेज को, फर्स्ट वाले पेज को सेकेंड वाले पेज पर अगर हम रखते हैं, ठीक है ना, सी सेकेंड वाले पेज पे रखते हैं, तो देखो इसका इसका साइड बिल्कुल क्या कर लिया, देखो दो पेजेस है, लेकिन ये दोनों इसका साइड क्या कर लिया, बिल्कुल इसको कोइंसाइड कर दिया, ठीक है ना, ये एंगल के बराबर इसका, ये एंगल के बराबर इसका, ये एंगल, तो बिल्कुल सेम हो गया। उसी तरीके से जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को उठा करके इस ट्राइंगल पर रखा जाए तो बिल्कुल सेम सेम साइड, ए बी के बराबर ए डी ई आ जाए, ए सी के बराबर डी एफ आ जाए, बी सी के बराबर ई एफ आ जाए, एंगल भी सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए जैसे अगर किस इस पे रखा गया तो कोइंसाइड कर ले, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम एंगल साइड्स बिल्कुल सब कुछ सेम हो जाए, ठीक है ना, तो वो दोनों क्या कहलाते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंसी का तो कह सकते, तो जैसे इस वाले के बराबर ये वाला होगा, इसके बराबर ये वाला होगा, इसके बराबर ये एंगल होगा, ठीक है, हाँ, फिर इस साइड के बराबर ये साइड होगा, इसके बराबर ये साइड होगा, और इस साइड के बराबर ये साइड होगा, ठीक है। तो लिख सकते इन ट्राइंगल, वी कैन राइट हियर, देखो इन ट्राइंगल, आपको आगे पढ़ना एक चैप्टर होगा कॉन्ग्रुएंसी का, जो कि अभी नहीं पढ़ना, बस समझना कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता क्या है, ठीक है। तो कम से कम मतलब दो ट्राइंगल से ही कॉन्ग्रुएंसी हम लोग देखते हैं, ठीक है, थीके? एक ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट कैसे, कंपेयर किससे करेंगे, है ना, तो एक से नहीं होता है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, ट्राइंगल का साइन दिया, ट्राइंगल ये डी ई एफ, ओके, तो क्या क्या देखा कि एंगल ए के बराबर एंगल डी, एंगल ए के बराबर एंगल डी, सॉरी डी, एंगल ए के बराबर डी, फिर एंगल बी के बराबर एंगल ई, एंगल सी के बराबर एंगल एफ, एंड साइड में देखा जाए तो, साइड में देखा जाए तो क्या हो गया, ए बी के बराबर, ए बी के बराबर डी ई, ठीक है, फिर बी सी के बराबर, दिस बी सी के बराबर ई एफ, ठीक है, फिर ए सी के बराबर दिस डी एफ, ए सी के बराबर डी एफ, गॉट इट, ये हो गया साइड्स, मतलब ईच एंगल ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू द सेकेंड वन, एंड ईच साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू द सेकेंड वन, ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ सी, आर टॉपिक इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल, ओके ना, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। सी, इंटीरियर का मतलब क्या होता है, इन मतलब अंदर, है ना, एंड एक्सटीरियर मतलब बाहर का। तो हम लोग देखेंगे कि जो ट्राइंगल के अंदर है, ठीक है ना, द पार्ट विच इज द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज बाय द ट्राइंगल, ठीक है ना, इज कॉल्ड इंटीरियर, एंड जो कि आपका, ठीक है, एंड जो
इनक्लोज्ड ना हो, डेट इज़ एक्सटीरियर. जैसे जैसे कहने का मतलब है, जैसे पी क्यू आर ये क्या है, अंदर है ट्राइंगल के, ट्राइंगल के अंदर है, तो ये क्या होगा, इंटीरियर. ये क्या है, इंटीरियर. बट डी ई एफ ये क्या है, बाहर है ट्राइंगल के, तो ये क्या है, एक्सटीरियर है. वट इज़ दिस, दिस इज एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. ओके, तो यहाँ पे बाउंड्री हो गया. जैसे पी क्यू आर के लिए बाउंड्री क्या हो गया, ये जो है ना ए बी सी, ये बाउंड्री है. इसके अंदर जो भी आएगा ये क्या है, बाउंड्री है. हाँ, इसके अंदर ये तीनों आ गया तो ये क्या है, इंटीरियर. और ये जो बाहर है ये क्या है, एक्सटीरियर है. ठीक है, गट इट. तो इंटीरियर क्या हो गया, पी क्यू आर, एंड एक्सटीरियर क्या हो गया, एफ डी ई. गट इट. नाउ कम टू द एंड ऑल्सो, अगर कोई पूछे कि यहाँ पे एक पार्ट मान लो आप ले लो क्यू, ठीक, क्यू नहीं लेते हैं, एस ले लेते हैं, एस. तो यहाँ पे तो ये जो है ना एस है जो, वो ऑन द सर्कल, ऑन द लाइज ऑन ट्राइंगल ए बी सी. ये एस जो है ए बी सी पे लाई कर रहा है, मतलब उसके ऊपर है. गट इट. ये ना तो एक्सटीरियर है, ना तो इंटीरियर, अंदर भी नहीं है, ना तो ये बाहर है एस, ठीक है ना, ना तो बाहर है ना तो अंदर है, तो ये क्या, ऑन द ट्राइंगल है. गट इट. नाउ वी विल सी वेरियस टाइप ऑफ ट्राइंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस नेमिंग ट्राइंगल बाय कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ देयर साइड, मतलब अकॉर्डिंग टू द लेंथ. एंड अनदर वन वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू द एंगल्स. ओके, सो ट्राइंगल अगर साइड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो तीन तरह का, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलन ट्राइंगल. गॉट इट. ट्राइंगल अगर साइड के अकॉर्डिंग बांटा गया तो तीन तरह का, क्या क्या, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन. वट इज दिस इक्विलेटरल. इक्विलेटरल ये शब्द आया कहाँ से, तो ये आया इक्वल से, ठीक है ना, इक्वल से. ऐसा ट्राइंगल, ठीक है, जिसका तीनों साइड इक्वल होगा, दैट इज कॉल इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है ना, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल इक्विलेटरल ट्राइंगल. जैसे एक ट्राइंगल बनाया, इसके ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों इक्वल है, तो इसे क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऑल्सो इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, और कितने होंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री. ठीक है ना. एक और चीज़ हम आपको बता दें कि जो, जैसे एक ट्राइंगल कैसा भी हो, आइसोसेलेस हो, स्केलन हो, या इक्विलेटरल हो, एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल जोड़ करके 180 डिग्री होता है. कितना होता है, 180 डिग्री. ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल जोड़कर 180 होता है. ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. ओके, तो कहने का सेंस है, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल देखा गया ना, तो इसके तीनों साइड बराबर, जब तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे. तीनों एंगल भी, जैसे ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल, तीनों बराबर बराबर होंगे. तीनों जोड़ के तो 180, लेकिन बटेगा तीन, अगर तीन एंगल बट गया, ठीक है, 180 बट गया, तो कितना आएगा, 60 डिग्री. ठीक है, तो ईच एंगल 60 डिग्री होता है. किस में, आइसोसेलेस ट्राइंगल में. किस में, आइसो, सॉरी, इक्विलेटरल ट्राइंगल में. गॉट इट. तो कोई भी आपसे पूछे कि टेल मी द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, व्हाट यू विल से, यू विल से 60 डिग्री. कितना डिग्री होता है, हर एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का 60 डिग्री होता है. ओके, नाउ कम टू आइसोसेलेस ट्राइंगल. सी आइसोसेलेस ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल. ऐसा ट्राइंगल जिसका दो साइड इक्वल होगा इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल. लाइक इफ आई विल ड्रॉ दिस, तो इसके बराबर ये, ठीक है ना, और ये डिफरेंट होगा. ये क्या होगा, डिफरेंट. जैसे ये है 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर, और ये अलग 1 मीटर लिखो, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना, कुछ भी. तो मतलब दो साइड इक्वल और एक अनइक्वल होगा, दैट्स कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, तो जैसे अब जो साइड इक्वल है ना, जो साइड इक्वल है, तो उस पे उस जो जो बेस होगा ना, तो बेस एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे. जैसे ये 80 ले लो, तो ये भी 80 डिग्री, और तीसरा 80 80, 160 160 हो गया, तो ये 20 डिग्री, जोड़ के 180. तो कहने का सेंस है, जो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, तो दो साइड इक्वल, तो उसके जो बेस एंगल होंगे, बेस एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. जैसे ये है, हाँ ये, ठीक है, तो ये ट्राइंगल के बराबर ये ट्राइंगल, ये एंगल साइड के बराबर ये साइड, और एंगल कौन सा इक्वल होगा फिर, जिस पे ये दोनों इक्वल होगा और ये अनइक्वल होगा. ओके, जैसे इस साइड के बराबर ये साइड,
ठीक है, ये अलग साइड है, तो एंगल कौन सा इक्वल होगा, इसके बराबर ये होगा और ये अनइक्वल होगा, गॉट इट। मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा, लेकिन ये क्या होगा, अलग होगा, ठीक है ना। थर्ड वन इज अ ट्राइंगल स्केलन ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैविंग नन ऑफ द साइड इक्वल, मतलब कहने का सेंस है तीनों साइड, अगर ये देने का मतलब है कि तीनों साइड क्या होगा, अनइक्वल होगा, ये अलग अलग देने का सेंस है कि तीनों साइड अनइक्वल होगा, ठीक है, तो वो ट्राइंगल क्या है, स्केलन ट्राइंगल। वन मोर थिंग, जब साइड अनइक्वल होगा तो एंगल्स भी अनइक्वल होंगे, ठीक है, एंगल मतलब समझ आ रही ना, ये अदर दूसरा एंगल होगा, ये कुछ और होगा और ये क्या होगा, कुछ और होगा, ठीक है, तीनों एंगल भी डिफरेंट होंगे, गॉट इट। तो देखो हम लोगों ने क्या देखा कि साइड के अकॉर्डिंग ट्राइंगल तीन तरह का, ओके ठीक है। फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल नाम से ही पता चला, इक्वल इक्विलेटरल, तो तीनों साइड जिसके इक्वल होंगे दैट इज इक्विलेटरल, और तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस जिसके दो साइड इक्वल होंगे और तीसरा अनइक्वल होगा, और दो साइड इक्वल है तो उसका बेस एंगल भी बराबर होगा, ठीक है ना, बेस एंगल मतलब जिस पे वो दो साइड गिर रहा है, ठीक है। स्केलन ट्राइंगल तीनों साइड अनइक्वल होंगे और तीनों साइड अनइक्वल है तो भाई तीनों एंगल भी अनइक्वल होंगे, ओके। नाउ लेट्स सी अकॉर्डिंग टू द एंगल्स, ओके, सी ट्राइंगल्स, नेमिंग ट्राइंगल्स बाय कंसिडरिंग देयर एंगल्स, तो एंगल के अकॉर्डिंग भी ना ट्राइंगल तीन तरह का, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, देखो एक्यूट ट्राइंगल बोलो या एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल बोलो, दोनों बोल सकते हैं, सिंपली एक्यूट ट्राइंगल बोले या एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल या राइट एंगल राइट ट्राइंगल, तीसरा ऑब्ट्यूस ट्राइंगल या ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल, गॉट इट। दोनों में से आप जो नाम लिख सको लिख देते। नाउ अ ट्राइंगल ईच ऑफ दो हो हुज एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री, ऐसा ट्राइंगल जिसका मतलब जो मेजर है ना वो 90 डिग्री से कम होगा, 90 ईच एंगल 90 डिग्री से कम, तो मान लो ये आप ले सकते हो, तो जैसे ये मान लिया 60, ये 70 और ये 50, तो देखो ये तीनों एंगल ना कोई भी एंगल 90 से ज़्यादा नहीं है, 90 या 90 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कोई और भी ले लिया, जैसे ये 755 ले लिया, ठीक है, ये ले लिया 60 ले लिया, हाँ, और ये 65 ले लिया डिग्री, ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग है ना, तीनों अलग तो है ही, प्लस 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 मेन क्या है, हम लोग को देख रहे हैं कि 90 से कम है, 90 से क्या है, तीनों कम है, ओके, तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाते हैं। नाउ राइट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैविंग कम से कम क्या, एक एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो मतलब ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट गिरता है, ठीक है ना, ये जो है ना 90 होना चाहिए, ये जब भी कोई स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या है, 90 है, ये 90 होना चाहिए, ये ऐसे भी इंडिकेट करते हैं 90 को, ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। जैसे आप 90 डिग्री के लिए ये भी लिख, ऐसे भी बन सकता है, यहाँ पे 90 बना, तो ये क्या हो गया, कम से कम एक ये साइन है 90 का आप ट्राइंगल में दे सकते हो, तो कम से कम क्या, एक ही एंगल ट्राइंगल का, एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, अदर कुछ भी हो, दो जो बच गया ये और ये कुछ भी, उसे कोई लेना देना नहीं, एक एंगल 90 होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है, क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ द नेक्स्ट वन ऑब्ट्यूस ट्राइंगल, ओके, अ ट्राइंगल वन ऑफ हूज एंगल मेजर मोर देन 90, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल मोर देन 90 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मोर देन 90, तो देखो यह है ना, तो ये देखो ऐसा नहीं लग रहा है ये 90 से ज़्यादा है, अगर हल्का सा ऐसे से ये खींचा जाए तो 90 तो यहीं तक हो गया, ये अगर स्ट्रेट जाएगा तो ये 90 तो यहीं तक हो गया, लेकिन ये देखो ये ज़्यादा है ना, तो ये 90 से मोर देन 90 है, अब मोर देन 90 तो 120 ले लो, या ऐसे भी ले सकते हैं 110 हो, 110 भी हो सकता, मतलब 90 से एक डिग्री भी ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा होगा तो वो ऑप्टिव एंगल, अगर 91 डिग्री भी है एक तो ऑप्टिव एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो सी क्या हम लोगों ने देखा, अकॉर्डिंग टू दी एंगल ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट्स एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड
ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. तो व्हाट इज द एक्यूट, जिसमें तीनों एंगल जो होंगे ना लेस देन 90 डिग्री, तीनों क्या होंगे 90 से कम. अब 90 से कम तो भाई 0.5 डिग्री भी अगर कम है तो वो एक्यूट एंगल, तीनों लेकिन कम होने चाहिए. ओके, राइट एंगल में क्या होना चाहिए, कम से कम एक एंगल ना 90 डिग्री होने चाहिए, कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री. ठीक है, कम से कम मतलब सॉरी एक एंगल 90 डिग्री ही होगा. ठीक है, अदर दो कितना भी उसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 180 ही. ऑब्ट्यूज जिसमें कम एक जो एंगल है ना वो मोर देन 90 डिग्री, क्या होना चाहिए मोर देन 90 डिग्री. अब 90 डिग्री से ज़्यादा 1% 2% कुछ भी. ठीक है, थैंक यू. और कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा. एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू अगेन.